अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। अस्सलामु अलैकुम। वा अलैकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वा अलैकुम सलाम। अम्मी हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, हम इफ्तार में क्या खाएंगे? अम्मी सहरी में भी हम लोगों ने पानी पी के रोजा रखा था। बेटा फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, हम वजू करके नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सब ठीक कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। आपको भी शुक्रिया। अरे वाह ईशान नौमान, मैंने कहा था ना कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी कोई आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा रोजा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या मुझे कुछ? अरे अरे ईशान, मम्मी वैसे ही हमारे पास कम खाना है, अगर हम उन्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ मम्मी हम क्या खाएंगे? सुनिए रमजान मुबारक। आपको भी अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, हमें सबकी मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कहते, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, अगर हम सबकी मदद करेंगे ना तो अल्लाह बहुत खुश होगा। चलो उनको खाना देने चलो। सॉरी हमें नहीं पता था। सॉरी कोई बात नहीं, आओ। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास रहने के लिए घर है और खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज है। हमें अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए। आप सभी को रमजान मुबारक। भर दो झोली